जनन दोस्तों, हम घर पर ही एक फेस मास्क बनाएंगे। इसके लिए मैंने बनाना लिया। बनाना में पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक टमाटर लिया है, टमाटर में अक्रूट एसिड होता है। लेमन लिया है। सबसे पहले मैं टमाटर को कद्दूकस कर लेंगे। मैं इस टमाटर को कद्दूकस कर लूँगी। टमाटर से हमारी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लोइंग होती है। मैंने बनाना लिया है, इसको मैंने हाथों से मसल कर एक अच्छा सा पेस्ट बना कर तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने मसल कर इसको अपने हाथों से और एक पेस्ट बना लिया है। अब इसमें एक चम्मच में बेसन मिलाऊंगी। बेसन से हमारी स्किन का जो ऑयल हो, बेसन से हमारी स्किन का जो ऑयल है वो ऑब्जर्व कर लेता है। एक चम्मच बेसन मिलाया और टमाटर प्यूरी, जो टमाटर की प्यूरी थी वो इसमें मैंने मिला दी है। इसमें एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार हो जाएगा। और मैंने इसमें चंदन पाउडर मिलाया है। जो चंदन पाउडर मेरे पास एक था तो उसमें मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। चंदन पाउडर से हमारी स्किन में बहुत अच्छे ग्लो आता है। इसमें मिक्स कर दिया मैंने चंदन पाउडर, और इसमें एक नींबू मिलाया है। आप नींबू और गुलाब जल इस तरह से मैंने मिला लिया है, और एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए बहुत अच्छा अपना पेस्ट बनकर तैयार हो गया है ना, बहुत ही अच्छा बनके अपना एक पेस्ट बने। इसको अच्छे से मिक्स करके और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। बनाना आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, और ड्राई स्किन है अगर आपकी तो ये बनाना आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करेगा। और इसमें बेसन मिलाया है जो आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर देगा। और टोमेटो से आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई होती है, सनटैनिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। मैंने इसमें नींबू मिलाया, आप चाहें तो स्किप भी कर सकती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने हाथों पर, अच्छे से मसाज करती हूँ सर्कुलर मोशन में, और इसको अप्लाई कर लिया है। इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लोई हो जाएगी। इसको अप्लाई करने के बाद मैंने 5 मिनट बाद इसको धो लिया। देखिए बहुत ही अच्छा स्किन पर रिजल्ट आया है, बहुत ही अच्छा फेस मास्क से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।